माया, माया, क्या हुआ? माया, नहीं, क्या हुआ? मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो। माया, क्या हुआ? माया, माया, क्या हुआ? माया, क्या हुआ? माया वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें कोई क्यों मारेगा? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने मुझे आवाज देकर यहाँ पर बुलाया था। आवाज देकर? तुम्हें कौन आवाज देगा यहाँ पे? यहाँ पे कोई है ही नहीं। पता नहीं। माया तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। सपना? यहाँ मेरी जान पर हमला हुआ है और तुम्हें लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ? माया वो कौन था जिसने तुम पर हमला किया? बहुत ही बुरा आदमी था वो, 200-300 साल का तो जरूर होगा। क्या 200-300 साल? क्या बकवास कर रही है तुम? भला 200-300 साल कोई आदमी जिंदा रहता है क्या? माया कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही ना, हम सबका टेंशन पाने के लिए? मैं सब झूठा नाटक क्यों करूंगी चित्रा? क्यों, तुम्हें फिल्म जो मिल गई है तो ऑब्वियसली तुम बाकी हीरोइंस की तरह अपना नाटक दिखा रही हो। तुम ये कैसी घटिया बातें कर रही हो? यहाँ पे मेरी जान पर बनाई है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। एक बात याद रखना माया, अगर हम तुम्हें मूवी दे सकते हैं तो तुमसे ले भी सकते हैं, समझी? माया चित्रा अब लड़ना झगड़ना बंद भी करो, कल सुबह हमें शूटिंग करनी है, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। लिसन करण, मैं अपने अजीब माहौल में शूट नहीं कर सकती और अगर ये नाटक फिर से हुआ ना कल, देन आई विल वॉक आउट फ्रॉम योर शूट। चित्रा, अब तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। क्या लगता है तुम लोगों को, ये माया सच बोल रही है? हाँ बिल्कुल, जरूर उस हवेली में उस बूढ़े आदमी की आत्मा है जिसने सुनैना को गायब करने के बाद माया को मारने की कोशिश की। अगर जल्द से जल्द हमने ये पता नहीं लगाया कि आखिर वो आत्मा चाहती क्या है तो लोगों की जान पर बना हुआ खतरा बढ़ता जाएगा। चित्रा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, कहिए ना प्लीज। चित्रा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? ये कैसा मजाक है रणविजय? नहीं चित्रा, ये मजाक नहीं है। मैं तुम्हें जाने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। सो क्या तुम मिसेज रणविजय बनने के लिए तैयार हो? तो कल शादी कर लें? कल? इतना जल्दी? चित्रा मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, सिर्फ तुम्हारी हाँ की देर थी। ओके ग्रेट, वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आइए आइए, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, एक खुशखबरी है जो आपके साथ शेयर करना है मुझे, इनफैक्ट हमें। मैंने और चित्रा ने कल शादी करने का फैसला लिया है। क्या हुआ, हमें कोई बधाई नहीं देगा? चित्रा एक मिनट यहाँ आना। क्या हुआ करण? तुम रणविजय से शादी कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो का क्या मतलब है?
प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। तुम्हें उससे मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है, तुम उससे प्यार भी करने लगी? करण, वक्त देख के प्यार नहीं किया जाता, प्यार बस हो जाता है। और इस अनाउंसमेंट के लिए तुमने मुझे तक नहीं बताया? वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई। I'm really sorry for that. मैं जानता हूँ कि तुम रणविजय से शादी क्यों करना चाहती हो। क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि वो एक अमीर आदमी है, उसकी दौलत की रोशनी के सामने तुम्हारी लालच भरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। What? करण, तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो? चित्रा, शादी के लिए इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम होती कौन हो मुझे एडवाइस देने वाली? एक स्ट्रगलर? जैसे रोल दिलवाया है ना, वैसे वापस भी ले लूंगी, समझी? चित्रा, तुम अपनी पढ़ास उस बेचारी पर क्यों निकाल रही हो? ओ, तो अब वो बेचारी हो गई। तुम तो थाली के बैंगन हो करण, कभी इधर तो कभी उधर। पता नहीं उस चित्रा का क्या प्रॉब्लम है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है वो। मैंने मांगा था उससे सुनैना का रोल, नहीं ना, उसने खुद दिया मुझे वो रोल और अब उसी बात के लिए मुझे ताने दिए जा रहे हैं। मैं ही तो था, कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं और तुम्हें के सुन ही नहीं रही हो। चित्रा के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, सॉरी। नहीं करण, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्यों नहीं, उसे इस तरह सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। खैर, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारे सीन्स की शूटिंग हम कल ही करेंगे, ओके? अरे माया, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ठीक है, मैं सेट पे चलता हूँ, वैसे भी बहुत काम निपटाना बाकी है, ओके? एक्सक्यूज मी। माया, उस रात के बारे में हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए।
कौन है? कौन है? कौन है? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? कौन हो तुम? आगे तो रास्ता बंद है। कहीं ये वही 300 साल पुराना आदमी तो नहीं जिसने जिसने माया पर हमला किया था? देखो माया, और लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हारी बात पर भरोसा करे या ना करे, पर हम जानते हैं कि कल रात तुम जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। चलो, कोई तो है जिसे मेरी बात पर यकीन है। माया, ठीक से याद करके बताओ, शुरू से क्या हुआ था कल रात को? मैं अपने कमरे में अपने डायलॉग्स याद कर रही थी, हर तभी अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। माया। कोई मुझे पुकार रहा था। कौन ले रहा था तुम्हारा नाम? किसकी आवाज थी वो माया? पता नहीं, मैंने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बहुत बूढ़ा था वो, और फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। मारना चाहता था वो मुझे। क्या उसने कुछ कहा तुमसे कि वो क्या चाहता है या तुम्हें क्यों मारना चाहता है? नहीं, पर अगर है मौके पर तुम सब लोग नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं रहती। घबराओ मत माया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बुरा आदमी था कौन और अचानक ऐसे गायब कैसे हो गया। दरअसल माया, ये बूढ़ा एक इंसान नहीं, बस कौन है? मैडम, आप लोगों ने कहीं करण सर को देखा है क्या? वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, अपने कमरे में भी नहीं है। चलो कमरे में चलकर देखते हैं। करण का कुछ पता चला? अरे खाक कुछ पता चला, पता नहीं कहाँ चला गया और किसी को कुछ नहीं पता है। अगर करण को जाना था तो अपना सामान साथ में लेकर जाना चाहिए था, क्यों? हाँ, करण सर हम लोगों को बता के जा सकते थे। ये क्या, चित्रा के नाम पे लेटर? ये तो करण की हैंडराइटिंग है। यामी, पढ़ो इसे। मैं चित्रा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे रणविजय का होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। करण? क्या? करण मुझसे प्यार करता था तो उसने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? प्यार का इकरार सिर्फ शब्दों में नहीं किया जाता, ये एक ऐसी भावना है जिसमें खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। खैर जो भी है, मैं सिर्फ रणविजय से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी। अब बेचारे करण सर। बेचारा माय फुट, बीच में शूट ऐसे छोड़ के चला गया, अब शूटिंग कैसे होगी? इट्स सो अनप्रोफेशनल। करण से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या करें?
शूटिंग को बीच में छोड़ के वापस चले? और तुम लोग के पास ऑप्शन भी क्या है? शूट कौन करेगा? तुम करोगे? तुम करोगे? ठीक है ठीक है, आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं वापस शहर जाने का बंदोबस्त करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं कल नहीं जा सकती, कल मेरी शादी है। देखिए मैडम, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो रुकिए, लेकिन हमारा रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू। और हाँ, करण मिले तो उसे कह देना कि मैं उसकी ये मूवी नहीं कर रही, इसलिए अपने लिए कोई दूसरी नई हीरोइन ढूंढ ले। चलो चलो चलो, जल्दी सामान अंदर करो, हमें जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से। चलो रणविजय कहाँ हो तुम? रणविजय तुम ही हो ना? चलो आओ, देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूं। ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। सॉरी, तुमने आने में बहुत देर कर दी है, अब तुम्हें मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? और रणविजय कहां है? रणविजय तुम इतना लेट कर दिया तुमने। सॉरी यार, बहुत इंतजार करना पड़ा ना तुम्हें। बहुत। तुम जाके शादी की तैयारियां करो। जी। शादी की तैयारियां करो मतलब हम यहाँ शादी नहीं कर रहे? नहीं। तो फिर कहाँ कर रहे हैं? हवेली के एक खास कमरे में। ओह, खास कमरे में? जी, हमारी खास राजकुमारी के लिए खास कमरा। चले। मैडम आप कुछ लेंगी? चाय, नाश्ता? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ओके। Thank you.
कौन हो तुम? जाना नहीं मुझे, मैं तुम्हारा अतीत हूँ। मेरा अतीत? तुम्हारा 300 साल पुराना अतीत। क्या हुआ था 300 साल पहले? जानना चाहती हो तो मेरी आंखों में देखो। आप लोगों का सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, यहाँ आए अच्छा लगा। अरे पर मैं क्या कह रहा था, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार रणविजय जी और चित्रा जी से मुलाकात हो जाती ना तो शादी की मुबारकबाद दे देते हम। वो दोनों किसी से मिलना नहीं चाहते, आप लोग जा सकते हैं। पर मैंने कहा ना, आप लोग जा सकते हैं। ये आदमी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है हमारे साथ? मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो ये शादी अजीब लग रही है, ना कोई सजावट और ना कोई मेहमान। चलो ये यहाँ क्या कर रही है? माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जा चुकी थी ना? हमें किसी भी तरह से इस शादी को रोकना होगा। चित्रा की जान को खतरा है। चित्रा की जान को खतरा? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी शिकार बन चुकी हूँ इस खूनी शादी की। तुम भी? मतलब? हाँ, आज से 300 साल पहले मेरी भी टोली आई थी इस हवेली में। वही कर रहा हूं जिसके लिए तुझसे शादी की है। तेरे हाथों की बलि चढ़ रही है ताकि मेरे हाथ ठीक हो सके। तुझे मरना होगा, तेरी जवानी चाहिए मुझे ताकि ताकि मैं जवान हो सकूं। मैं सालों तक जिंदा रहूंगा। तो फिर तुमने मुझसे शादी इसी वजह से की थी कि तुम मेरी जान ले सको? अपने पति के लिए जान नहीं देगी तू? मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। छोड़ो मुझे। जिंदा रहेगी तो ना।
मतलब रणविजय एक आत्मा है? हाँ, और वो शादी भी इसीलिए करता है ताकि उसकी बीवी की उम्र उसे लग जाए और वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। बीवी की उम्र उसे लग जाए, पर कैसे? आंखों के जरिए। आंखों के जरिए? वो कैसे? आंखें दिल का आईना होती है। इंसान की आंखों में झांककर ये जाना जा सकता है कि उसकी आत्मा अशुद्ध है या शुद्ध। और रणविजय भी उसी आंखों के रास्ते से अपनी दुल्हन की आत्मा तक पहुंचता है और फिर उसे मारकर उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। न जाने कितने बरसों से चला आ रहा है ये मौत का खेल। मतलब कि रणविजय आंखें इसलिए निकालता है ताकि वो उन आंखों के जरिए अपनी जिंदगी बढ़ा सके। हाँ, और जैसे ही वो आंखें बूढ़ी हो जाती है वो नई आंखों की तलाश शुरू कर देता है। फिर होती है एक और शादी नई दुल्हन के साथ। हमें चित्रा को बचाना होगा, हमें उसे बताना होगा कि वो डोली पर नहीं अर्थी पर चढ़ने की तैयारियां कर रही है। माया, कोई तो रास्ता होगा ये शादी रोकने का और रणविजय को खत्म करने का। हमें वो सारी आंखों को जलाना होगा जो अभी भी ताजा है, जो अब तक बूढ़ी नहीं हुई है। और जैसे ही वो आंखें नष्ट हो जाएंगी रणविजय भी खत्म हो जाएगा और उसका ये शादी का खेल भी। माया ने कहा कि वो खुफिया रास्ता यही कही है। हो ना हो यामिनी, जरूर इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे है वो खुफिया रास्ता। तो फिर तो हमें एक एक पेंटिंग चेक करनी चाहिए। लोग यहां क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा था ना यहां नहीं आना। बात नहीं मानने का अंजाम सिर्फ मौत। ये तो आत्मा है। हाँ, आत्मा, बुरी आत्मा। वहां शादी शुरू हो रही है, मुझे वहां जाना होगा। इन लोगों से तो मैं बाद में निपट लूंगा। और कितने मंत्र बाकी हैं? बस समझो कि आखिरी मंत्र है। आप लोग फेरे के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाओ चित्रा, चित्रा रुक जाओ, भूल से भी ये शादी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की माया? चित्रा, तुम रणवीर जैसी शादी नहीं कर सकती, ये इंसान नहीं बल्कि बस। बाहर निकालो इन बिन बुलाए मेहमानों को। चित्रा, चित्रा, ये सब आत्माएं हैं और ये रणवीर जी भी एक आत्मा है। चित्रा, भाग जाओ यहाँ से। क्या? आत्मा? इनकी बातों में मत आना चित्रा,
रणविजय, ये क्या है? चित्रा, ये इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। ये बरसों पुराना एक मुर्दा है जो वापस जिंदा होना चाहता है। चित्रा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे जिंदा छोड़ के। ये सब क्या है? यामिनी, मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। राघव, ये देखो। अगर मुझे पता होता तू मेरी शादी में टांग अड़ाएगी, कभी जिंदा नहीं छोड़ता तुझे। आप जल्दी से फेरे ले लीजिए, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। शादी तो मैं करके ही रहूंगा। रणविजय, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ रणविजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आंखें तो जलने लगी। देखो यामिनी, इस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। माफ कर दो माया, मैंने हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। बीती बातों को भूल जाओ चित्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बरसों पुराना बदला जो पूरा हो गया है। अब इस हवेली में ना तो कोई शादी होगी, ना ही रणविजय किसी लड़की की जिंदगी छीन पाएगा।